नमस्कार साथियों, द एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है और इसका उद्गम कैसे होता है। जब पृथ्वी के मेंटल से तरल मैग्मा जिस क्रिया द्वारा बाहर आती है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे देखिए, ये पृथ्वी है, इसके मेंटल वाला भाग से तरल मैग्मा निकलता है और जब पृथ्वी की ऊपरी परत पे आकर जम जाता है तो उसे लावा कहते हैं। और जब यह लावा पानी में जाकर जम जाता है तो उसे टफ कहेंगे। यहाँ से लावा निकला और यह पानी में जाकर जम जाएगा तो इसे टफ कहते हैं। और जब मैग्मा का जमाव चना के तरह छोटे छोटे हो जाए तो उसे एस्कोरिया कहते हैं। मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उस छिद्र को ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा हो जाए, यानी कि जब ज्वालामुखी का छिद्र बड़ा हो जाए तो उसे क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार बड़ा हो जाए तो उसे कालडोरा कहेंगे। इसका आकार क्या हो रहा है? बारा हो रहा है। और जब कालडोरा में पानी भर जाए तो उसे कालडोरा झील कहेंगे। और इसी में क्या पानी भर जाए, जब कालडोरा में पानी भरेगा तो उसे कालडोरा झील कहा जाता है। ज्वालामुखी मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। मृत ज्वालामुखी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह ज्वालामुखी में विस्फोट नहीं होता होगा, यानी कि जिस ज्वालामुखी में विस्फोट ना हो उसे क्या कहेंगे? मृत ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे भारत का नारकोंडम, म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी और ईरान के कोहे सुल्तान एवं देवबंद ज्वालामुखी, ये चारों ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। आइए देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी यानी कि सोया हुआ ज्वालामुखी, इसमें विस्फोट तो नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें विस्फोट नहीं होगा, इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का विसुवियस, ये दोनों ही सुषुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, सक्रिय यानी कि जिसमें हमेशा विस्फोट होता रहे उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। यह ज्वालामुखी बहुत ही घातक होता है। जैसे भारत का वैरन ज्वालामुखी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर का कोटोफैक्सी, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इटली का स्ट्रामबोली एटना और यूएसए का अस्पर, तंजानिया का किलिमंजारो। जिस प्रकार ओजोन को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है उसी प्रकार ज्वालामुखी को पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें निकलती है। सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में है, इसलिए इसे अग्नि वलय कहा जाता है। अलास्का में सबसे अधिक ज्वालामुखी है, इसलिए अलास्का को धुआंधारों का देश कहा जाता है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी इटली का स्ट्रामबोली है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट स्तंभ कहा जाता है। आई होप कि ये सारे बातें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।